नमस्कार मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम लोगों को लगा महंगाई का एक और जोरदार झटका। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में होगी शुरू। राज्य में बढ़ेंगे बालू के दाम। भोजपुरी गीतों पर शोध के लिए बिहार पहुंची अमेरिका की प्रोफेसर हेलेन। हार्दिक पांड्या करेंगे भारत की कप्तानी। संजू सूर्या की हुई वापसी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आम लोगों को लगा महंगाई का एक और जोरदार झटका। आम लोगों को एक बार फिर से महंगाई का जोरदार झटका लगा है। ये झटका उन लोगों को लगने वाला है जो नया एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस के नए कनेक्शन की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। पहले एक सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए 1450 रुपए देने होते थे, लेकिन अब इसके लिए 750 रुपए ज्यादा यानी कि 2200 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप दो सिलेंडर वाला कनेक्शन लेते हैं तो आपको 1500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यानी आपको इसके लिए 4400 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे। इससे पहले इसके लिए महज 2900 रुपए ही देने होते थे। ये बदलाव आज से प्रभावी होगा। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में होगी शुरू। केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में शुरू होने वाली है, जिसके तहत 45,000 बहाली लिए जाएंगे। मालूम हो कि देश की तीनों सेनाओं में विशेष अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्हें अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। इस बीच बिहार झारखंड सब एरिया में बीते दिन आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एयर मार्शल आरजे डकवर्थ ने यह जानकारी दी है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों में युवाओं की बहाली की जाएगी। हर साल 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण 17.5 साल से 21 साल के 45,000 युवाओं की बहाली की जाएगी। 4 साल बाद योग्यता के आधार पर 25% तक अग्निवीरों को सेना में लंबी अवधि के लिए रखा जाएगा। 48 लाख बीमा कवर भी मिलेगा और सेवा के दौरान शहीद होने पर अतिरिक्त 44 लाख की राशि भी परिवार को मिलेगी। इसके साथ ही सेवानिधि की रकम भी मिलेगी। अब मिलेगी दक्षिण बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत। बिहारवासियों को अब गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि मॉनसून अपने निर्धारित समय पर सक्रिय हो गया है। एक तरफ जहां सूरज की तपिश में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं आज बादल के नीचे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। उत्तर बिहार में मॉनसून अपना काम कर रही है। उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। वहीं दक्षिण बिहार में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 48 घंटे में बिहार के अधिकतर इलाके में मॉनसून की सक्रियता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। राजधानी पटना में बादल छाए हुए हैं, तो वहीं भागलपुर में बीती रात से ही बारिश हो रही है। वहीं औरंगाबाद के लिए मौसम विभाग की तरफ से 16 और 17 जून को वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बढ़ेंगे बालू के दाम। बिहार में बालू का खनन पूरी तरह से ठप पड़ा है और ये अलग बात है कि अवैध बालू खनन अभी भी जारी है, और यही वजह है कि सरकारी स्टॉक में बालू की किल्लत होने की वजह से कालाबाजारी जोर शोर से चल रही है और बालू के दाम बढ़े हुए हैं। जून महीने में बालू खनन बंद है। अब नए बंदोबस्ती होने के बाद ही बालू खनन फिर से शुरू किए जाएंगे। खबरों की माने तो अभी विभाग में कर्मी और अधिकारियों के कार्यबल की जो स्थिति है उसके अनुसार नहीं लगता है कि अगले 15 दिनों में ये संभव हो सकेगा कि बालू घाटों की बंदोबस्ती हो। वहीं देखा जाए तो एनजीटी के आदेश लागू होने से जून के बाद 3 महीने तक नदियों में बालू खनन का काम प्रतिबंधित रहेगा। लॉ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ पंचायत प्रतिनिधियों को करेंगे प्रशिक्षित। बिहार के पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को भी अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिलेवार ढंग से किया जाएगा, जो कि अलग अलग चरणों में संपन्न होगा। राज्य के सभी पंचों और सरपंचों को चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ प्रशिक्षित करेंगे। इसमें सभी प्रतिनिधियों को उनके दायित्व, कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। कोटा स्थित इस बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा सोनू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला बच्चा नालंदा का सोनू अब राजस्थान के कोटा स्थित एलएन इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा। सोनू का नामांकन एलएन इंस्टीट्यूट में करा दिया गया है। आपने अगर एक वीडियो देखा होगा तो याद होगा कि एलएन इंस्टीट्यूट के संस्थापक ब्रजेश माहेश्वरी ने वीडियो में बताया है कि एक शिक्षक के नाते सोनू जैसे बच्चे को वो खुद पढ़ाना चाहेंगे। इसके बाद सोनू के नामांकन के लिए सोनू के चाचा, मामा और मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा और उनके पति कोटा गए। इंस्टीट्यूट ने सोनू की मुफ्त पढ़ाई, रहने और खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है, सोनू ने बताया है, और एक वीडियो खुद जारी कर इस बात की जानकारी भी दी है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। देश के साथ साथ बिहार में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि बिहार में अभी भी कोरोना के मामले 2 अंकों तक सीमित है। वहीं देश के ऐसे 7 से 8 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले 3 से 4 अंकों तक पहुंच गए हैं। बिहार में कोरोना केस के मामले में तो फिलहाल राहत है, लेकिन चिंता की असल वजह
दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग हैं। बीते दिन बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 43 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव कोरोना के केसेस 161 पर पहुंच गए हैं। सूबे में 126,130 कोरोना के सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राजधानी पटना में सबसे अधिक 25 कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, रोहतास, सीतामढ़ी और सुपौल में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में दो दो कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं समस्तीपुर में 3 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। देश भर की बात करें तो आज गुरुवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 12,213 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। भोजपुरी गीतों पर शोध के लिए बिहार पहुंची अमेरिका की प्रोफेसर हेलेन। बिहार भोजपुरी जिला अपनी लोक कलाओं के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। भोजपुरी भाषा में गाया गया लोकगीत देश भर में मशहूर है। यही वजह है कि आज विदेश से बिहार आकर शोधकर्ताएं भोजपुरी गीतों पर शोध करना चाहते हैं। जी हां, भोजपुरी गीतों पर शोध के लिए अमेरिका के 76 वर्षीय प्रोफेसर हेलेन मेयर्स पटना विश्वविद्यालय पहुंची है। वो यहां रहकर 9 महीने तक भोजपुरी विवाह के साथ ही छठ और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक गीतों पर शोध करेंगी। यही नहीं, हेलेन शोध के लिए भोजपुर, बक्सर, सासाराम, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण भी जाएंगी। आपको ये भी बताते चले कि प्रोफेसर हेलेन इसके पहले फिजी, मॉरिशस, त्रिनाद और लैटिन अमेरिका में भी जाकर भोजपुरी विवाह गीत में आए परिवर्तन पर अध्ययन कर चुकी है। एवरेस्ट फतह करने के इरादे से बिहार से देहरादून पहुंची मिताली। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से बिहार की प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है और राज्य का नाम रोशन कर रही है। वहीं जब अपने बेशुमार जज्बे के साथ बिहार की कोई बेटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेगी, जी हां, बिहार की बेटी मिताली प्रसाद एवरेस्ट फतह करने जा रही है और इसमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने तिरंगे के साथ मिताली प्रसाद को एवरेस्ट बेस कैंप देहरादून के लिए रवाना किया था। मिताली बिना किसी गाइड के ही 20 दिन में एवरेस्ट फतह करने का प्रयास करेंगी। जुलाई के पहले सप्ताह में वहां से लौटेंगी। मिताली नालंदा के कतरीसराय स्थित मायापुर की रहने वाली है। बिहार से छत्तीसगढ़, बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। बिहार के अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ और बंगाल के लिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, बिहार की परिवहन विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों से छत्तीसगढ़, बंगाल के लिए राज्य के अलग अलग जिलों को देखते हुए 180 बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दोनों राज्यों के बीच 56 रूटों पर 180 बसों की रिक्तियां निकाली है। अब परमिट के लिए गाड़ी मालिकों से आवेदन मांगा गया है। इसमें अधिकांश रूटों पर बसों का परिचालन हो रहा है लेकिन उनकी संख्या कम है। अब विभाग इन रूटों पर बची रिक्तियां भरकर बसों की संख्या बढ़ाएगा ताकि आम लोगों को सहूलियत हो सके और लोगों को घर के पास गाड़ी मिल सके। अगस्त से यहां ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद होगी शुरू। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने एक खास पहल की है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने इस बाबत नियमावली भी जारी कर दी है। इसकी शुरुआत राजधानी पटना स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क से की जाएगी। वीर कुंवर सिंह पार्क में अगस्त से 4900 वर्ग फुट में एजेंसी के माध्यम से इस पार्क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पार्क में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटा फुट ओवरब्रिज, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम सभी की व्यवस्था की जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर तंज। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सबसे पहले बिहार में ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग जहां तहां इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि 2022 तक 80 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का इनका संकल्प था। अब वर्षों बाद अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू किया गया है। इनके वादों, जुमलों और इरादों को तो छोड़िए, जब प्रचंड बहुमत की सरकार के संकल्प का यह हर्ष है तो बाकी का क्या। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज दूसरे दिन भी बिहार में प्रदर्शन देखा गया। जहानाबाद, मुंगेर समेत अन्य जिलों में अभ्यर्थी गुरुवार सुबह सड़कों पर उतर आए और हाईवे को जाम कर दिया। सहरसा में अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के कोच पर डंडे भी मारे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का बिहार में विरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली में ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। दिल्ली में ईडी की पूछताछ की आग बिहार में भी लगी हुई है। बिहार के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर आ गए हैं। इस बीच आज यानी गुरुवार की सुबह कांग्रेस नेताओं का जुटान राजभवन के समक्ष देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं के इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा कर रहे थे। दर्शन में पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, चारों कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, श्याम सुंदर सिंह, अशोक कुमार के साथ समीर सिंह, युवा कांग्रेस के नेता और NSUI के नेता भी साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के बंगले का किया जाएगा विस्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बंगला अब और बड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के लिए चिन्हित और अधिसूचित अणे मार्ग का विस्तार किया गया है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अब 7 सर्कुलर
सर्कुलर रोड भी अणे मार्ग का हिस्सा होगा। भवन निर्माण विभाग ने 25 अप्रैल 2022 की अधिसूचना को संशोधित करते हुए 7 सर्कुलर रोड को अणे मार्ग के अंश के रूप में चिन्हित करते हुए अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही आवास संख्या 7 स्ट्रैंड रोड को विधान परिषद पुल से वापस लेते हुए इसे मुख्य सचिव बिहार के आवास के रूप में करणांकित किया गया है, जिसमें अब प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी रहेंगे। हार्दिक पांड्या करेंगे भारत की कप्तानी, संजू सूर्या की हुई वापसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आयरलैंड दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में हार्दिक उप कप्तानी की भूमिका में है और अब आयरलैंड दौरे पर वो भारत के कप्तान होंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं राहुल त्रिपाठी को भी पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया, यानी वो अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। त्रिपाठी ने पिछले कुछ सीजन में आईपीएल में अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी और चयनकर्ता भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की भी भारतीय टीम में वापसी हुई है। भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर 2 मैच की टी20 सीरीज खेलेगी। ये 2 मैच 26 और 27 जून को खेला जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, सलीम भाई, राजकुमार प्रसाद, रंजीत मिश्रा, शिवम कुमार, कुश कुमार यादव, रोहित सिंह, राहुल कुमार, लक्ष्मी कुमार चौपाल, कुमार कौशल सिंह, रोहित कुमार, अनूप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में किए जा रहे विरोध उचित है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।